छोटे से थे तो गांव में थोड़ी शुरुआत करी मिट्टी में, थोड़ा थोड़ा मतलब कभी हमारे खेत थे तो वहाँ पे शुरुआत थी। तो हमारे गुरु जी थे जो हंसराज जी, जो तो उनसे उनके पास कुछ दिन के लिए हम गए थे, तो उन्होंने फिर यहाँ पे ले आके बोला कि भाई यहाँ पहलवान नहीं करो, क्योंकि देखो यहाँ एक बहुत बड़ा सेंटर है और जो इतने मतलब जो मतलब बहुत अच्छे अच्छे पहलवान हैं तो यहीं से निकल रहे हैं। तो वो खुद उन्होंने भी यहीं पर प्रैक्टिस की थी, तो उसके बाद हम यहाँ आ गए। तो यहाँ लगातार हमने मतलब रेसलिंग की गुरु जी महाबली सतपाल जी के मतलब उनके छत्रछाया में, और लगातार हमने मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े और आज देश के लिए मेडल। रवि जिसको बोलते हैं, हम उसे प्रेम करते थे। बुरा सा था, कच्चा बच्चा था और हमारे मन को मोहता था। हाँ, जो बताते थे उसको बहुत जल्दी पकड़ता था, मेहनत बहुत करता था, पढ़ाई में बड़ा होशियार था और जो बात बताते थे बहुत जल्दी पकड़ता था। महाबली सतपाल पहलवान जी की कृपा है, क्योंकि मैं तो वहाँ छोड़े आए थे। किस उम्र में आप वहाँ छोड़े? हाँ, वो जो मेरे साल 5 साल रहा मेरे पास, मैं कुछ नहीं करता, वो करने वाला परमात्मा, इन बच्चों की मेहनत। मैं तो स्वयं इतना अच्छा पहलवान नहीं था, मैं स्वयं इतना अच्छा पहलवान नहीं था, लेकिन मुझे भी अचरज होता है कि ये भगवान की कैसी कृपा होती है। उससे एक दिन पहले बात हुई थी, मगर भाई सारा भारत और हम तुम्हारे साथ दवाई हैं, गोल्ड मेडल लेके आई, तो बोले पहलवान जी कोशिश करेंगे। हाँ, आपका आशीर्वाद रहा तो मगर हमारा क्या था, पूरे भारत देश का आशीर्वाद है और हम तो क्या घर, हम तो सारा है सिक्किम तुम्हारे लिए। ये गोल्ड मेडल लेके आए ओलंपिक से और भारत के श्री बने मिट्टी में, तो ये हमारा एक सपना था, ये भगवान ने पूरा कर दिया और करने जा रहे हैं, गोल्ड मेडल भी आएगा। भगवान से हमारी प्रार्थना है कि ये काम और पूरी करें आज।